बहराइच में अखिल भारतीय यादव महासंघ ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल उत्तर प्रदेश का संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट बहराइच ज्योति राय को सौंपा। इस संबंध में अखिल भारतीय यादव महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने 2019 में पुष्पेंद्र यादव का पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर किया गया था। कोर्ट द्वारा कराई गई जांच में इस बात का खुलासा हो चुका है। फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पुष्पेंद्र यादव की पत्नी शिवांगी यादव ने उठाई। साथ ही शिवांगी यादव ने यह भी कहा, अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेंगे। आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई न होने से आहत शिवांगी यादव ने आत्महत्या कर ली। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आ गया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय यादव महासभा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने ज्ञापन के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए दिलाए जाने की मांग की। आरोपी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही। उनका कहना है, अगर उनकी मांगे नहीं पूरी गई तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सुनील कुमार यादव, कोर्ट जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासंघ बहराइच। हम अपने यादव समाज की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मामला ये है कि सन 2019 में पुष्पेंद्र यादव का फर्जी एनकाउंटर किया गया था, जिसकी सीबीआई जांच भी हुई, वो भी अधूरी रह गई थी। और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि उसका एनकाउंटर फर्जी हुआ है, लेकिन उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। न्याय से आहत होकर, न मिलने से आहत होकर उसकी पत्नी शिवांगी यादव ने दिनांक 27/3/2023 को आत्महत्या कर ली। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि इस घटना की दोषी उत्तर प्रदेश सरकार है। क्योंकि शिवांगी यादव ने बार बार कहा था उत्तर प्रदेश सरकार को कि अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता मिले, और जो दोषी हैं पुलिस वाले उन पर कार्रवाई हो, उनको फांसी दी जाए। मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो ये यादव समाज पूरे प्रदेश स्तर में हम लोग एक मुहिम चलाकर पूरे प्रदेश स्तर तक आंदोलन करेंगे। उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन जिम्मेदार होगा।